हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक्सेल में वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल खोल लेते हैं, एक्सेल 2013। ओके, एक सेकेंड, एक्सेल का वर्क पेज खोल लेते हैं। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसको आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, बस काफ़ी है। तो यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। हमको बनाना है वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट। ओके, तो पहले हम डालते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद हमको डालना है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का जो एक कोड होता है वो डालना है, एम्प्लॉय कोड। उसके बाद हमको डालना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हमको डालना है डेजिग्नेशन, डेसिग्नेशन। ओके, उसके बाद हमको डालना है, हमको एक मार्च से लेके लगभग वीक का बनाना है, लगभग 7 दिन का। तो हम एक काम करते हैं, 1 अगस्त 2022 से लेके 7 अगस्त 2022 तक बनाते हैं। ओके, एक AUG 1 अगस्त 2022। ओके, और फिर इधर डाल देते हैं 2 अगस्त AUG, इक्वल का साइन लग गया, 2 अगस्त 2022। ओके, तो डायरेक्ट पे क्लिक करके इनको ट्रैक कर देते हैं। ट्रैक करने से टोटल 7 तक आ जाएगा। ओके, ये एक हफ्ते का हो गया। अब इसको फॉर्मेट पे जाके, ये जो हैज आ रहा है, हैज ये नंबर नहीं शो कर रहा है, फॉर्मेट पे जाके ऑटो कॉलम फिट, ऑटो फिट कॉलम ब्रिथ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितनी उसका साइज चाहिए है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हमको डालना है टोटल डेज। यहाँ हम डालते हैं टोटल डेज। ओके, टोटल, उसके बाद डालते हैं डेज, टोटल डेज। ओके, अब डालते हैं ऑफ डेज, मतलब जितने दिन ऑफिस बंद रहा है। ठीक है, ऑफ डेज। और फिर उसके बाद हमको डालना है प्रेजेंट डेज, मतलब जितने दिन प्रेजेंट रहे हैं आप, या जो यहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ, प्रेजेंट डेज। ठीक है, अब उसके बाद हमको डालना है अब्सेंट डेज, कितने दिन अब्सेंट रहे हैं। ठीक है, अब्सेंट डेज, अब्सेंट डेज। ओके, उसके बाद हमको डालना है हाफ डे, मतलब किन लोगों ने आधे दिन काम करके चले गए हैं, हाफ डेज। ओके, तो हम फिर से स्टार्टिंग पे जाते हैं। अब सीरियल नंबर डाल लेते हैं, 1 2। अब डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करके ट्रैक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे जब ये बड़ा प्लस बना रहेगा तब आपको ट्रैक नहीं करना है, तब सेलेक्ट होगा। जब ये इधर लाओगे कोने में तो ये छोटा प्लस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ट्रैक करना है। ये आ गया 9 तक, उसके बाद यहाँ 10। ओके, अब इधर एम्प्लॉय का कोड डालना है, तो कोड डालने के लिए E501। ये हो गया एक एम्प्लॉय का कोड, दूसरा E502। ओके, अब डायरेक्ट इसको ट्रैक कर देते हैं। ये देखो, सारे एम्प्लॉय कोड डाल चुके हैं। ओके, अब नेम डालना है, तो एम्प्लॉय का नेम हम डालते हैं, पहला नेम डालते हैं संदीप, संदीप कुमार, संदीप कुमार। फिर दूसरा नेम डालते हैं सुधीर मोहन, सुधीर मोहन। ओके, उसके बाद तीसरा नेम डालते हैं आशीष शर्मा, आशीष शर्मा। ओके, उसके बाद डालते हैं राजा वर्मा, राजा वर्मा। ओके, अब संतोष तिवारी, संतोष तिवारी। ओके, उसके बाद डालते हैं राजेश शर्मा, राजेश शर्मा, राजेश शर्मा। उसके बाद हम डालते हैं दीपक कुमार, दीपक
कुमार, ओके। उसके बाद डालते हैं सचिन पुंदर, सचिन पुंदर। उसके बाद डालते हैं पंकज चौहान, पंकज चौहान, ओके। और एक नाम और डाल लेते हैं, मान लो रोहन, रोहन दास, रोहन दास, ओके। चलो अब डायरेक्ट आपको ऊपर जाना है, इस कॉलम पे आओगे तो ये देखो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो पीछे का वो गायब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे करके आपको डबल क्लिक करना है। डायरेक्ट यहाँ पे आओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। जितने में आपके नेम हैं वो उतना ही कॉलम की ब्रेथ सेलेक्ट कर देगा, ओके। अब डेसिग्नेशन में लिखते हैं STERO, स्टीरो, ठीक है। ये स्टेरो है, इसको डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं संतोष तिवारी तक, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं डेसिग्नेशन, डिज़ाइनर लिख देते हैं, डिज़ाइनर, ये हैं डिज़ाइनर, ओके। ये पांच लोग डिज़ाइनर हैं और ये पांच लोग स्टीरो, ओके। अब 1 अगस्त से लेके हमको लगभग 7 अगस्त तक करना है, ओके। तो एक आध दिन ऑफ़ कर देते हैं, इसमें हम कर देंगे ऑफ़, ओके। हाँ तो ऑफ़ के बाद डायरेक्ट इसको ट्रैक कर देते हैं, सब में ऑफ़ आ जाएगा, ऑफ़। इसमें कर देते हैं प्रेजेंट, 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 ओके, प्रेजेंट, 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 ठीक है। तो डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके ट्रैक कर देंगे, सब में प्रेजेंट हो जाएगा। इधर भी सिलेक्ट करके, तो इन तीन को सिलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक कर देंगे, ओके। ये सारे प्रेजेंट हो चुके हैं, अब कुछ में एब्सेंटी, कुछ में एब्सेंटी भी लगा देते हैं, जैसे कि एब्सेंट, 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 ये एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का हाफ डे भी लगा देते हैं, एच डी का मतलब होता है हाफ डे, ओके। और पी का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। और जो ए है उसका मतलब होता है एब्सेंट, ओके। यहाँ हम आपको लिख के दिखा देते हैं, एच डी का मतलब होता है हाफ डे, हाफ डे, ओके। और यहाँ पे ए का मतलब होता है एब्सेंट डे, एब्सेंट, एब्सेंट डे, ओके। ए का मतलब होता है एब्सेंट डे। और फिर उसके बाद यहाँ होगा पी, पी का मतलब होता है प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, ओके। प्रेजेंट डे के बाद हमको क्या करना है, ठीक। अब हमको निकालना है टोटल डेज, ओके। तो टोटल डेज निकालने के लिए हमको पहले तो एक फार्मूला लगता है, चलो तब तक पहले हम कुछ कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, इसे लगा देते हैं सबको ऊपर, एक एक करके सेलेक्ट करना आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ये देखो ये हो गया, सबको कर लेते हैं एक साथ, ये हो गया मर्ज, मर्ज, मर्ज। यहाँ पे जाके आप मर्ज कर सकते हो, डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करना है, जितनी लाइन भी आपको, जितने भी को कॉलम मर्ज करने हैं वो आप मर्ज कर सकते हो, ओके। डायरेक्ट आपको जो भी मर्ज करना है वो कॉलम सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कम से कम 2 कॉलम मर्ज होते हैं, 1 कॉलम नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, आपका कॉलम मर्ज हो जाएंगे, ओके। ये मर्ज कर सकते हैं, ये हो गए मर्ज। इसके बाद डायरेक्ट हमको मर्ज करके हम पहले सब कुछ सही से कर लेते हैं,
ये लो ओके। अब हम पहले इसको ये देखो, ये दिख नहीं रहा है ओके। अब ठीक है, अब इन सबको सेलेक्ट करके पहले हाईलाइट कर देते हैं। कंट्रोल ए, उसके बाद बोल्ट ओके। बोल्ट करने के बाद निकालने के लिए डायरेक्ट देखो 7 डेज हैं, तो इधर 7 लिख देते हैं खुद ब खुद 7 ओके। और डायरेक्ट इसको ट्रैक कर देंगे तो ये सारे में 7 आ जाएगा, ये हो गया 7 ओके। अब ऑफ डे हमको निकालना है, ऑफ डे ओके। तो ऑफ डे के लिए हमको क्या करना है, ऑफ डे ओनली वन है तो ओनली वन इसमें भी लिख देते हैं, ठीक है ओनली वन। डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं लिख के। अब हमको निकालने हैं प्रेजेंट डे, ठीक। तो हमको इसमें लगाना है काउंट इक्वल काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ और स्मॉल ब्रैकेट ऑन। उसके बाद हमको ये सारे सेलेक्ट करने हैं जितने भी हैं, ये देखो ये हमने सारे सेलेक्ट कर दिए, ठीक। उसके बाद हमको कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में हमको डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है पी, मतलब प्रेजेंट डेट का मतलब होता है पी, ठीक। प्रेजेंट डे के लिए पी लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ और ब्रैकेट ऑफ, एंटर, ठीक। देखो ये 4 बार प्रेजेंट है ना, ये देखो 1 2 3 4, 4 बार प्रेजेंट है तो उधर 4 डेज लिख के आ गया ओके। ऐसा ही फॉर्मूला सबको लगा, सब में लगाना है। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट इफ स्मॉल ब्रैकेट ऑन एंड ये सब सेलेक्ट करेंगे ओके। उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर डबल कॉमा के अंदर हमको लिखना है पी, उसके बाद डबल कॉमा वन और ब्रैकेट वन, एंटर, ठीक। इसमें भी 4 डेज प्रेजेंट है ओके। जितने में जितने बार पी लिखा होगा सिलेक्टेड डेज में उतने बार आ जाएगा ओके। ये सारा इकट्ठा ट्रैक कर देंगे, आ गया। अब अब्सेंट डेज निकालने हैं। अब्सेंट डेज के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इक्वल काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद आपको ये सारी सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद कॉमा लगाना है और आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ए, ए का मतलब होता है अब्सेंट, ठीक। और डायरेक्ट ब्रैकेट बंद कर देना है ओके, ठीक। आ गया 2 डेज, देखो एक बार ये है ये ए और ए, मतलब 2 दिन है अब्सेंट ओके। फिर से यही ट्राई करके देखते हैं, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन एंड सेलेक्ट दिस, उसके बाद कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा ऑन, उसके बाद यहाँ लिखना है ए, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ और ब्रैकेट ऑफ, एंटर, आ गया, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट सेलेक्ट करके ट्रैक कर देंगे, ठीक है। अब हमको निकालने हैं हाफ डेज, मतलब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, उसके बाद डायरेक्ट हमको ये सारे सेलेक्ट करने हैं ओके। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है एच डी, ठीक है। एच डी का मतलब होता है हाफ डे और ब्रैकेट बंद, एंटर, मतलब 0, यहाँ पर एक भी दिन किसी ने हाफ डे काम नहीं किया ओके। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन ओके, फिर ये सिलेक्टेड सेलेक्ट, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है एच डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर ओके। अब जिसमें भी ये होगा डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करके ट्रैक करना है ओके, आ गया। तो ये हमारी शीट बनके रेडी हो चुकी है, ठीक। अब ये हमने आपको सिर्फ लिखने के लिए समझाया है ओके, ये हमने आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए समझाया, ठीक। अब हमको यहाँ पे इसमें कलरिंग कर लेते हैं ओके। यहाँ पे डायरेक्ट को सेलेक्ट करके कलर करते हैं इसमें, हम इसमें फल कर लेते हैं ब्लैक, इसमें कर लेते हैं येलो ओके। अच्छा लग रहा है ना, हाँ। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम कर लेते हैं रेड और इसमें ब्लू, नहीं ब्लू सही नहीं रहेगा, ब्लैक, इसमें ब्लैक ही रहने दो ओके। उसके बाद यहाँ पे पहले हम पूरा सेलेक्ट करके और फिर फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ,
ऑटो फिट के साथ कॉलम की ब्रेथ कर देंगे। ओके, तो उसके हिसाब से ही अपने हिसाब से सब कर लेगा जितना कि उसको जगह चाहिए। उसके बाद ये सिलेक्ट करते हैं, इसमें कलर करते हैं, इसमें क्या कलर करेंगे, येलो, येलो के बाद ब्लू, येलो एंड ब्लू। ओके, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इन दोनों में एक साथ कलर कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे हम ब्लैक, यहाँ पे येलो, वैसे ब्लू भी ठीक है, नहीं ब्लू सही नहीं है, इसमें हम येलो कर देते हैं। ओके, येलो, हाँ ये ठीक है। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करके डायरेक्ट इनमें डायरेक्ट हम करते हैं ब्लू एंड दिस वन वाइट, हाँ ये ठीक है। ओके, अब इसमें कर देते हैं कलर, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो, ये ब्लैक एंड येलो कलर मुझे माय फेवरेट, इसी वजह से मैं उसको बार बार सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी फेवरेट हो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम फिर कोई भी कलर कर देते हैं, पहले ये करते हैं डार्क ब्लू, नहीं रेड। ओके, रेड एंड ब्लैक, ऑसम। ओके, यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके हमको डायरेक्ट इस पे जाना है, फिर सेलेक्ट नहीं हुआ है शायद, ठीक है, डायरेक्ट सेलेक्ट करके हमको इसके ऑप्शन पे जाना है, इसके साथ हम कर देते हैं ब्लैक नहीं येलो। ओके, फिर से सेलेक्ट करते हैं इनको, इसको सेलेक्ट करके हम कोई भी कलर भर देते हैं, लाइक ब्लू, नहीं हाँ ये ठीक है, बाद इसमें येलो। ओके ओके, तो गाइस तो स्टूडेंट्स हमारा ये तैयार हो चुका है, बस इसमें हेडिंग की ज़रूरत और है। अब हम इसमें डालेंगे हेडिंग। ओके, अब डायरेक्ट हम इसमें जाते हैं ऊपर, इसको हेडिंग डालने के लिए हम इसको मर्ज कर लेते हैं, पहले हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये ठीक, उसके बाद हम करेंगे मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर के मतलब होता है मर्ज करना, ठीक। उसके बाद मर्ज करके हम उसमें डालेंगे बीकली डब्लू के, बीकली अटेंडेंस, बीकली अटेंडेंस रिपोर्ट। ओके, तो बीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, उसके बाद हमको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमको इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं से अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है, फिर तो इसको बोल्ड कर देते हैं, इसमें भी हम अपने हिसाब से कलर भर सकते हैं, इसको हम येलो नहीं, इसको रेड कलर में कर देते हैं। ओके, रेड एंड बॉक्स कलर क्या फिल करेंगे, यह है सेल कलर, सेल कलर में हम करते हैं ब्लू, ये ठीक है, ब्लू ब्लैक रेड, नो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हाँ ये सही है। ओके, तो अब हमारी ये सीट तैयार हो चुकी है, तो इसमें एक कमी रह गई है, कंट्रोल ए, उसके बाद डायरेक्ट हम ये सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, मैं बॉर्डर नहीं लगाया, आप ठीक है, हाँ अभी हमारी सीट तैयार हो चुकी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।